दीपेश भान की मौत पर हर तरफ मातम फैल गया है। उनका दोस्त टीका फूट फूट कर रो रहा है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, वो बस रोए जा रहा है। उससे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उसका दोस्त अब इस दुनिया से जा चुका है। वो इधर देखता है, उधर देखता है, उसकी आंखें मलखान को ढूंढती हैं। वो फिर रोने लगता है। मलखान टीका को ऐसा जख्म देकर गया है जिससे वो जिंदगी भर उभर नहीं पाएगा। उसने सिर्फ एक साथी एक्टर नहीं खोया, उसने अपना यार खो दिया है, उसने अपना भाई खो दिया है। मीडिया वाले पूछते हैं कि दोस्त पर दो शब्द कह दीजिए, वो कुछ नहीं कहता, बस रोता रहता है। दीपेश के दोस्त चारुल मल्होत्रा का भी यही हाल है। उनकी आंखों से आंसुओं का झरना बह रहा है। चारुल और दीपेश की दोस्ती कुछ वक्त पहले ही हुई, लेकिन दिल जीतने में उस्ताद दीपेश ने कुछ ही वक्त में चारुल को भी अपना यार बना लिया। सुनिए चारुल क्या कहते हैं। मैंने मेरा बेस्ट फ्रेंड खो दिया। मेरे मैक्सिमम सीन्स उनके साथ ही होते थे एंड आई डोंट हैव वर्ड्स, मतलब मैं बोल भी नहीं पाऊंगी। ऐसा लग रहा है ये एक सीन चल रहा था जिसे हमारे डायरेक्टर बोलते कट और ये बीच में रुक जाए। इट वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट पर्सन, वेरी प्योर सोल एंड इट बी मिस फॉर एवर। कुछ उनकी यादें हैं जो मैं अभी नहीं बोलता। थैंक यू।